तो मैं 13 प्रो भी है ना ये। गाइस गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी क्या बज रहे हैं 1:30 और ये ब्लॉग दोपहर में स्टार्ट कर रहा हूँ और एक दिन में दो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस ऐसा हो जाता है ना, मैं रात को फिर जल्दी फिर सुबह उठ नहीं पाता हूँ, आप लोगों को पता है 9 बज जाता है। तो आज बैकअप के लिए ये दो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और अभी मैं फ़िलहाल जाऊँगा, पापा बाहर हैं, पापा के साथ जाऊँगा आइडेस्टिनी। आप लोग पता होगा एक ब्लॉग, पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे मैं आइडेस्टिनी गया था, बट संडे था उसी कारण बंद था। तो अभी पापा के साथ जा रहे हैं, जो भी बात होगा वहाँ पर होगा, जैसा भी होगा आप लोगों को बता देंगे। तो चलते हैं, तो फिलहाल अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ GoPro से, चलो। Found a picture we took many years ago। तो फिलहाल मैं प्रॉपर हेलमेट लगा लिया हूँ, हेलमेट लगाना जरूरी है गाइस, यहाँ तो चेकिंग भी है और पहले सेफ्टी फर्स्ट देखेंगे। और हम लोग बस 10-20 मिनट में पहुँच जाएंगे बिष्टुपुर, हाई डेस्टिनी। यही जगह पार्क कर दीजिए। कल हम लोग आई डेस्टिनी आ गए हैं और अभी देखते हैं बाहर कुछ करते हैं क्या होता है। थैंक यू अंकल। और सर मैं 13 दिखा देना आप, 13 यस। ये मिनी है ना? नहीं, ये 13 है और ये 13 मिनी है। 13 मिनी है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, आईफोन तो एक्सचेंज भी होता है सर? तो मेरे पास आईफोन 11 है, तो अगर मैं इसको एक्सचेंज करके अगर 13 लेना चाहूँ तो कॉस्टली कितना पड़ेगा फिर भी आप? अगर फ़ोन लाए आप? हाँ मैं ये आईफोन लाया हूँ। ऑन कर दिया। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सचेंज के लिए? तो गाइस ये है 13 है ओनली ना भैया, निकाल लीजिए। सो ये देखो गाइस 13 क्या स्मूथली चल रहा है। 13 सर सच में आ रहा है? हाँ ये जो ऊपर नीचे था ना 11 में, बट बैक में क्या बोले भैया, 25,000 तक आपका न्यू फ़ोन भी ले सकता है एक्सचेंज में। और 25,000 लगेगा? नहीं, वो लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा मतलब, फिर भी आप कौन सा वेरिएंट देख रहे हैं? और मैं 13 प्रो भी है ना भैया, प्रो का भी स्टॉक नहीं है, स्टॉक तो आपको 13 मिलेगा 256 GB में। 256 मैं 13 प्रो ही देखना चाहता था। 13 प्रो 128 GB होता? हाँ 128 GB। अगर मैं ये एक्सचेंज करा के भी लूँगा तो इसमें 64,000 लगेगा एक्स्ट्रा, मतलब 25,000 माइनस करके अगर ये फ़ोन दूँगा 64,000 लगेगा आईफोन 13 का। बट ये कॉस्टली पड़ जा रहा है, क्या करना है अभी? नहीं अभी फिलहाल क्या मस्त लग रहा है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। हाँ बाद में देखेंगे। पापा का भी सर चकरा गया है क्योंकि अभी उतना बजट नहीं है, हम लोग सोचे थे मैक्सिमम वही 25-30-35 लास्ट, नहीं हम तो बस 60 पार हो जा रहा है, तो समझ रहे हो गाइस 60 पार हो जा रहा है। और अभी जब मैं 11 का पूछ रहा हूँ, हमने मतलब अभी कितना 49 बता रहे ना आप, अभी दाम कम हो गया 11 का, 49,000 ले रहे हैं। यही होता गाइस, जल्दबाजी में कदम मत उठाओ, बट खैर कोई नहीं, आज नहीं तो कल ज़रूर होगा, आप लोग का सपोर्ट है गाइस, आज नहीं तो कल। तो फिलहाल अभी हम लोग हाई डेस्टिनी से घर आ गए थे और रोशन और तिलोचन आया हुआ है घर पे, वो लोग को कॉल किए थे कि जल्दी आओ। तो आज ट्यूशन व्यूशन नहीं है ना, मॉर्निंग में था ना। तिलोचन कहाँ है भाई, तुम किधर हो यार? चलो भाई। तो अभी हम लोग दीपांकर एक जन मिस हो रहा है, वो जो लंबू भैया नहीं था जो मॉल में मिला था, देख रहा होगा वीडियो तो बोले लंबू बोल रहे, दीपांकर नाम था, तो वो मिस हो रहा है अभी, वो अभी कलकत्ता गया हुआ है कुछ काम से मम्मी के साथ, दुर्गा पूजा तक शायद आ जाए।
myself away out of this small town. Got a place at school you didn't hang around. Every day you're far away, these streets don't feel the same. Everywhere is painted with your name. I remember that I was. So guys, अभी हम लोग हैं पटेल बगान के होली क्रॉस स्कूल. तो फिलहाल अभी हम लोग इधर एंटर किए हैं. ऐसे तो मैं आया हूँ बहुत बार, आप क्या दोबारा आपको बोलूँगा कि इधर बार बार आ रहा हूँ, बट घूमने आया हूँ थोड़ा. तो अभी थोड़ा इधर से थोड़ा घुमा फिरी करते हैं, वॉक करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ. तो गाइस अभी हम लोग इधर आए हैं, हमें खुद नहीं पता भाई ये कौन सा लोकेशन है ब्रो, आई डोंट नो. जयकान, अरे भाई साहब कहाँ आ गए तिलोचन, हम कितना किलोमीटर फिर भी चल दिए. ऑलमोस्ट 10. ऑलमोस्ट 10. तो गाइस हम लोग 10 किलोमीटर दूर आ गए. क्या भाई साहब कांटा का पेड़ है ब्रो. देखो गाइस थोड़ा सा खुला है, ज़्यादा कुछ नहीं. अभी तो हम लोग हैं जायकोन में ना, तो ये थोड़ा नाम तो अगर आप लोग से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना. जायकोन में अभी हम लोग हैं और यहाँ से अगर 20 मिनट जाएंगे तो भाई बता रहे हैं थोड़ा सा अच्छा लोकेशन मिलेगा, बट शाम भी होने वाला है. हम लोग 10 किलोमीटर दूर आ गए हैं, हमें खुद नहीं पता रास्ता किधर से, बट कुछ कुछ हम लोग जैसे होता है ना रास्ता जान के रखे, इधर से ये जाना, इधर से लेफ्ट जाना, राइट जाना. तो ऐसे अगर आगे बढ़ेंगे और उस तरफ तो फिर रात हो जाएगा, और रात में आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, मुझे खुद नहीं पता चलेगा कैसे किधर जाना है. तो अब ये निकलना सही रहेगा. फिलहाल अभी हम लोग एक होटल में समोसा खा रहे हैं. ये रहा तिलोचन, ये रहा प्रजापति. गाइस आप लोगों को पता है क्वालिटी नहीं है गोप्रो में रात के टाइम पे, मतलब शाम हो गया तो क्वालिटी नहीं है, इसीलिए ट्रोच पकड़ा हुआ है बेचारा. तो अभी हम लोग पहले ये खाते हैं समोसा, उसके बाद चलते हैं घर. फिलहाल हम लोग का इवनिंग का नाश्ता हो गया है, शाम हो गया लगभग. पापा भी बोल रहे हैं कहाँ चल गया इतना दूर, चलते अभी घर ही चलते हैं गाइस. Try to replace you with somebody out there. If I didn't chase you, would you even care? Finally, घर आ गए हैं और अब क्या क्या अच्छा लग रहा है यार, मतलब बहुत घूमना पड़ा गाइस हम लोगों को. डॉगी आ गया एक तो. कौन चला कौन रहा अभी, पैदल इसको नहीं ले जा रहा है, साइकिल का मालिक ये है तो यही चलाएगा. ठीक है, बाय बाय बाय, कॉल करना घर जाके, बाय. हेलो गाइस, तो गाइस क्या बोलेगा, आज तो जिस काम के लिए हम लोग गए हुए थे तो काम हुआ नहीं, क्योंकि सावन सोचा था कि ये मोबाइल चेंज करके दूसरा मोबाइल ले लेंगे, मगर वो बजट से बाहर है, समझे ना, जिस कारण से कहें मतलब के गाइस वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग कहें मतलब वो मोबाइल नहीं लिए. खाली हम गए दुकान उकान में, बातचीत किए, सब कुछ किए, मगर वो इतना डिमांडे रख दिया ना कि बजट से बाहर हो गया. तो हम लोग सोचे कि नहीं बेटा, अभी जो भी है इसी से काम चलाना होगा, और जैसे भी हो इसको हम लोग को इसको इसी से चलाना है, और क्या मतलब कि और इसी मोबाइल से हम लोग अभी इस्तेमाल करेंगे गाइस, क्योंकि अभी हम लोग के पास उतना कैपेसिटी नहीं है जो उसका बजट को हम लोग पूरा कर सके. और तुम बोलो. हाँ, हेलो गाइस बोल देंगे. ओ तुम हेलो गाइस बोलेगी खाली. यानी कि वो भी बोल रही है उसको भी सब्सक्राइब चाहिए और कमेंट भी चाहिए और पूरा फैलाना भी चाहिए, शेयर भी कीजिए. वाह, चलो भाई सबका यही डिमांड है तो मेरा भी डिमांड वही रहेगा. बस बस यही बोलेंगे, आज का वीडियो थोड़ा छोटा हुआ, आप लोग देखोगे मैं आज एक दिन में दो ब्लॉग शूट कर रहा था,
तो जितना ये पॉसिबल हुआ बनाया, और आप लोग देखें मैं वही एक बजे कुछ समथिंग हाँ हुआ इस तो एक ही बजे स्टार्ट किया था ब्लॉग। ज़्यादा कुछ तो अभी है नहीं, खाना पीना वो क्या नहीं खाऊंगा। तो गाइस यही बोलना चाहते हैं कि छोटा वीडियो हो तो क्या हुआ, लगना चाहिए कि हाँ वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गरीब बॉय के चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अरे बॉस आप ही लोगों पर तो डिपेंड करता है यार, और क्या देखना, बस मारिए फटाफट लाइक और अपना प्यार दिखाइए। हाँ मगर गाइस अपना सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय।